12 एपिसोड की स्टार्टिंग में देखते हैं, दोहा हेक्चोन से वापस सियोल आता है और अपार्टमेंट में जाने से पहले कुछ सामान लेने लगता है। तभी योमहो एक लड़का को नाइफ से हमला कर देता है और जिसको नाइफ लगती है वो ना इथेन रहता है। तभी वहाँ पर दोहा आ जाता है और ये देखकर योमहो से फाइट करने लगता है और योमहो दोहा को मारने की कोशिश करता है। तभी सोली आवाज़ सुनकर बाहर का गेट खोलती है और वो इन दोनों को फाइट करते हुए देखती है। तो दोहा सोली को देखकर गेट बंद कर देता है और सोली पुलिस को कॉल करती है और कैंगमिन को भी कॉल करके बुलाती है। और जब सोली फिर से गेट खोलती है तो वो देखती है योमहो दोहा का नेक पकड़ कर है। तो सोली ये देखकर योमहो को मारती है। तो योमहो सोली को धक्का दे देता है और नाइफ उठाकर जैसे ही मारने जाता है तो कैंगमिन आकर योमहो को उठाकर पटक देता है और अरेस्ट कर लेता है। और पुलिस स्टेशन में योमहो से इंटरोगेट किया जाता है। तो दूसरी तरफ कैंगमिन इन दोनों से पूछताछ कर रहा होता है और कैंगमिन सोली से कहता है कि तुम फाइट के बीच में क्यों गई थी, तुम्हें कुछ हो जाता तो। और दोहा से पूछता है तुमने कहा था कि वो किसी और को चाकू नहीं मार सकता, पर उसने इथन को चाकू मार दिया जिस वजह से वो हॉस्पिटल में है और सोली भी खतरे में थी, तो तुम इस बारे में क्या कहना चाहते हो। तुम्हारे अलावा तुम्हारे आस पास के जितने भी लोग हैं वो सबको हर्ट हुआ है। तो ये सुनकर दोहा अपने हाथों को देखने लगता है और इसके बाद दोहा इथन से मिलने हॉस्पिटल में आता है जहाँ पर इथन का भाई मौजूद रहता है। और वो दोहा को देखकर पूछता है क्या तुम सियोंगजू हो और क्या तुमने उस लड़की को मर्डर किया। तो दोहा कहता है कि मैं सियोंगजू हूँ पर मैंने योमजी को नहीं मारे और माफ़ी मांगता है। तभी डॉक्टर बाहर आते हैं और कहता है कि अब वह ठीक है। और दोहा सोली से कहता है कि ये सब मेरी गलती है। तो सोली अपने आप को ब्लेम करने को मना करती है। और जब दोहा रिकवरी रूम में जाने लगता है तो वह सोली को देखता है जो ठीक से चल नहीं पाती है, क्योंकि योमहो ने जब सोली को धक्का दिया था तब गिरने की वजह से सोली के पाँव में मोच आ गई जिस वजह से वो चल नहीं पा रही होती है। और फिर हम दोक्षण को देखते हैं जिसके पास उसका भाई आकर कुछ पैसे मांगता है, क्योंकि जेचन का बिजनेस पार्टनर उसे धोखा देकर भाग जाता है जिस वजह से उसका बहुत नुकसान हो गया और अपना रेस्टोरेंट को भी बंद करने का बात करता है। तभी दोक्षण के पास किसी का कॉल आता है और उसे दोहा के बारे में पता चलता है। तो वह जल्दी से सर्च करता है और वो देखता है कि दोहा का पास्ट सब पब्लिक के सामने आ गया है और इसी बारे में जानकर दोक्षण परेशान हो जाता है और अपनी सिक्योरिटी को कॉल करता है और रिपोर्टर के सामने एक्सप्लेन करने को कहता है कि हम दोहा के साथ काम नहीं करने वाले हैं और दोहा के पास्ट के बारे में इस कंपनी को कुछ मालूम नहीं था। तो दूसरी तरफ दोहा सोली को अपने बैग पर बैठाकर टैक्सी के पास आता है और सोली को घर जाने के लिए कहता है और इथन के पास मिलने के लिए आता है। और इथन कहता है कि ये सब मेरी गलती है क्योंकि मैं मुजिन के बात मानकर तुमसे मिलने के लिए गया था। और हमें वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मुजिन इथन से मिलता है और इथन से कहता है कि एक कंपनी है जिसमें बॉय ग्रुप के लिए मेन वोकलिस्ट की ज़रूरत है, तो मैं वहाँ पर तुम्हारे लिए रिकमेंड कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें एक काम करना होगा, तो तुम उसके बारे में हर एक इन्फॉर्मेशन मुझे कलेक्ट करके दो। तो इथन इसके बातों में आकर हाँ कह देता है और यही सब दोहा को बताता है कि मेरा जैसा सिंगर को कोई भी सिलेक्ट नहीं कर सकता, मैं यही डिज़र्व करता हूँ। तो दोहा कहता है जब तुम ठीक हो जाओगे तब मैं तुम्हारे लिए गाना लिखूँगा, पर इथन ये सुनकर मना कर देता है। और जब दोहा हॉस्पिटल से बाहर आता है तो सारे रिपोर्टर्स उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और सब पूछते हैं क्या तुम सियोंगजू हो और क्या तुम योमजी को मारे। तभी वहाँ पर सोली आती है और ये देखकर दोहा के पास जाने लगती है। तो दोहा सोली को देखकर कहता है कि मैं सियोंगजू हूँ और मैं ही दोहा हूँ, पर मैंने योमजी को नहीं मारे। तो रिपोर्टर्स पूछते हैं अगर ऐसा है तो तुम अपना फेस इतने सालों से हाइड करके क्यों थे। तो दोहा कहता है मैं हाइड इसलिए किए क्योंकि कोई भी मुझ पर बिलीव नहीं किया और ना ही अब कोई भी मुझ पर बिलीव कर रहा है। और ये सब कहकर सोली के साथ दोहा कैफ़े में वापस आता है और सोली से कहता है कि मुझे हेक्चोन जाना होगा, योमजी को किसने मारा उसे बारे में पता लगाना होगा, तो तुम परेशान ना हो मैं जल्दी वापस आ जाऊँगा। और इसके बाद दोहा घर पर योमजी के बारे में आर्टिकल देख रहा होता है। तभी वहाँ पर जेचन आता है और अपने घुटने पर बैठकर दोहा से पैसे मांगता है और कहता है जब तुम्हें ज़रूरत थी तब मैंने भी तुम्हें हेल्प किए थे, तो प्लीज़ मुझे लास्ट बार हेल्प कर दो और मुझे योमजी के लिए और तुम्हारे लिए बुरा लगता है। जब योमजी को उसके फादर पैसे के लिए मारा करते थे तब भी मैं योमजी के लिए बुरा फील करता था। तो ये सुनकर दोहा पूछता है तुम ये क्या कह रहे हो। तो जेचन कहता है क्या तुम्हें इस बारे में नहीं मालूम है। तभी दोहा को फ्लैशबैक सीन याद आता है जब दोहा योमजी के पास मिलने के लिए आया था, तब योमजी दोहा को देखकर उसके पास जाती है और दोहा योमजी को देखकर पूछता है कि तुम्हारे फेस को क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो। तो योमजी अपने फेस को छुपाने लगती है और कहती है मैं बस तुम्हें याद कर रही थी।
और यही याद करके दोहा योमजी के फादर से मिलने का डिसाइड करता है। तो दूसरी तरफ कैफे में देखते हैं जहाँ पर सोली की माँ आकर सोली से दोहा के बारे में बात करती है कि तुम्हें उसे ब्रेकअप कर लेना चाहिए। तो सोली कहती है मैं ऐसा क्यों करूँ जबकि वो किसी को भी नहीं मारा। तो सोली की माँ कहती है इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो मर्डरर है या नहीं, सब लोग तो यही समझते हैं कि वो एक मर्डरर है, तो तुम्हें सब मर्डरर की गर्लफ्रेंड कहकर पुकारेंगे। तो सोली ये सुनकर गुस्से में कहती है कि मैं उसे ब्रेकअप नहीं करूँगी चाहे कुछ भी हो जाए। और फिर दोहा सोली के पास आता है और सोली से मिलकर हेक्चन के लिए निकल जाता है। और हम पुलिस स्टेशन में देखते हैं योमहो को शिफ्ट किया जा रहा होता है। तो वो कैंगमिन से कहता है कि तुम हेक्चन के पुलिस वालों पर बिलीव नहीं करना, मैं पुलिस स्टेशन के अंदर एक डायरी छोड़े है तो तुम उसे ज़रूर देखना। और फिर हम सायन को देखते हैं जो इंस्टा प्रोफाइल देख रही होती है और सब कमेंट पढ़ती है जिसमें सब लोग दोहा को साइकोपैथ कर रहे होते हैं। तो यह देखकर सायन दोहा के डिफेंस में कमेंट करने चलती है पर वो नहीं करती है। तभी वो एक कमेंट देखती है जो दोहा को डिफेंड कर रहा होता है। तो वो उस लड़के का प्रोफाइल देखती है जो कि चीहून का अकाउंट रहता है। तो यह देखकर सायन समझ जाती है कि ये थिएटर वाला लड़का है और स्माइल करने लगती है। और इसके बाद दक्षण को देखते हैं जो दोहा के वजह से परेशान रहता है। तभी उसके पास एक लॉयर का कॉल आता है और वो कहती है तुम्हारी वाइफ तुमसे डाइवोर्स लेना चाहती है तो तुम्हें आकर मिलना होगा। तो दूसरी तरफ दोहा हेक्चन आ जाता है और वो मार्केट में आता है और सब लोग दोहा को देखकर मर्डरर कहने लगते हैं। तो दोहा रिएक्ट ना करके एक लेडी के पास जाता है और योमजी के फादर के बारे में पूछता है कि वो कहाँ पर है। तो वो लेडी कहती है कि मैं नहीं जानती हूँ और ये कहकर जाने के लिए कह देती है। और दोहा उस लेडी के रेस्टोरेंट के बाहर योमजी के फादर के नाम पर एक इंश्योरेंस पेपर देखता है। और फिर हम कैंगमिन को देखते हैं जो योमहो के डायरी को देख रहा होता है। तभी सोली का कॉल आता है और सोली मिलने के लिए बुलाती है और सोली कहती है ये ट्रीट मेरे तरफ से है क्योंकि तुमने उस दिन हेल्प किए थे। तो कैंगमिन कहता है तुम्हें झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, तुम दोहा के बारे में जानना चाहती हो तो हमें रियल कल्प्रिट को ढूंढना होगा नहीं तो दोहा को सब मर्डरर समझते रहेंगे। और हम चीफ को देखते हैं जिसकी बेटी हॉस्पिटल में एडमिट रहती है और उसके पास दोहा की माँ का कॉल आता है और वो केस को दबाने को कहती है और जल्द से जल्द दोहा को इनोसेंट साबित करने को कहती है। और जब दोहा की माँ का सीनियर उसके इलेक्शन से नाम हटाने का बात करता है तो दोहा की माँ नाम हटाने के लिए मना कर देती है और कहती है दोहा ने कुछ भी नहीं किया है ये 100% श्योर है। तो जब ये साबित हो जाएगा तो हमारे पास गोल्डन चांस है इलेक्शन जीतने का। तो दूसरी तरफ सोली की माँ सोली के फादर से मिलने आती है और वो परफ्यूम लगा लेती है जिस वजह से कुछ मक्खियाँ इसे परेशान करने लगते हैं और सोली के फादर उसे बचा लेते हैं। और सोली की माँ कहती है कि सोली एक मर्डरर को डेट कर रही है तो तुम कुछ करो। तभी सीन शिफ्ट होती है और हम कैफे में देखते हैं जहाँ पर मुजिन आता है और वो सोली से कहता है मैंने सब देख लिए तुम दोनों डेट कर रहे हो। और सबूत के तौर पर एक फ़ोटो दिखाता है जो कि हॉस्पिटल में मुजिन इन दोनों का देखकर फ़ोटो ले लेता है और धमकी देता है कि मैं ये फ़ोटो को ऑनलाइन पोस्ट कर दूंगा जिससे तुम्हारा बिजनेस लो हो जाएगा और सबको तुम्हारे बारे में पता चल जाएगा कि एक समन एक लड़के को डेट कर रही है। तो ये सुनकर सोली को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। तभी चिहुन मौका देखकर फ़ोन छीन लेता है और फ़ोटो को डिलीट कर देता है। और सोली कहती है ऐसा समन मैं बोल रही हूँ दोहा किसी को मर्डर नहीं किया है और उसको डराकर भगा देती है। तो दूसरी तरफ दोहा किसी से मिलता है और योमजी के फादर के बारे में पूछता है कि वो कहाँ पर है। तो वो आदमी कहता है कि मुझे नहीं मालूम है बस मैं इतना जानता हूँ कि वो एक बैंक में जाता है जहाँ पर योमजी काम किया करती थी। और हम सोली को देखते हैं जो हेक्चन के लिए निकल जाती है और उसके पेरेंट्स कैफ़े में आते हैं और वो दोनों देखते हैं कैफ़े बंद है। तो ये देखकर सोली के फादर बाद में मिलने का डिसाइड करता है। तो सोली के माँ हनी कहकर पुकारती है। तो ये सुनकर मोक जो कि इसके नाम है वो देखता है। तो सोली की माँ कहती है ये बस बाय चांस निकल गया। तो वो कहता है कि हम दोनों का डाइवोर्स हो गया है तो ये कहना बंद कर दो और जाने लगता है। तो सोली की माँ कहने लगती है तुम ज़रूर उस लड़की से मिलने जा रहे हो तो तुम जाओ मैं भी एक रिच आदमी से मिलने जा रही हूँ। तो ये सुनकर मोक कुछ नहीं बोल पा रहा होता है और वो चले जाता है। और जब सोली हेक्चन के बीच में आती है तो वो दोहा से मिलती है और वो दोनों एक दूसरे को देखकर गले मिलते हैं। और इसके बाद ये दोनों बैंक में जाते हैं जहाँ पर योमजी काम किया करती थी और उसे पता चलता है कि जब योमजी काम करती थी उस वक्त वो कुछ क्रेडिटर के वजह से परेशान रहा करती थी। और जब उसके मरने का अफवाह चला तब उसके फादर यहाँ पर आकर इंश्योरेंस के पैसे मांगा करते थे जो कि योमजी के नाम पर था तो हमने उसे देने के लिए मना कर दिए क्योंकि ये श्योर नहीं था कि योमजी मर चुकी है या नहीं। और जब बॉडी मिल गया तो उसके फादर लाइफ इंश्योरेंस का पैसे लेकर काफ़ी खुश हो गया था।
तो ये दोनों फिर से वो लेडी के पास जाकर पूछता है कि योमची के फादर कहाँ पर है, और बहुत समझाने के बाद वो लेडी बता देती है कि वो एक क्लब में मिलेगा। तो ये दोनों क्लब के पास जाते हैं, और जब क्लब के अंदर जाने की कोशिश करते हैं तो वहाँ के गार्ड इन दोनों को जाने नहीं देते हैं। तभी वहाँ पर इस क्लब का ऑनर आता है, और ये वही है जिसे हम फर्स्ट एपिसोड में देखे थे, जो कि सोली का क्लाइंट रह चुका है। और वो आदमी सोली को देखकर हेलो करता है और पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो सोली बताती है कि हम क्लब के अंदर जाना चाहते हैं पर हमें जाने नहीं दे रहा है। तो वो आदमी इन दोनों को अंदर जाने का परमिशन देता है, और दोनों अंदर जाते हैं जहाँ पर दोहा को जेचैन मिलता है। तो दोहा उसके पास जाता है, और जेचैन उसे देखकर कहता है जो तुमने पैसे दिए थे उसको डबल करने के चक्कर में मैं वो सब गवा दिए। तो दोहा इसे योमची के फादर के बारे में पूछता है क्या तुम इससे मिले हो या नहीं। तो जेचैन ना कहता है। तो सोली इशारों में बताती है कि ये झूठ बोल रहा है। तो जेचैन पूछता है क्या तुम योमची को पसंद करते हो। तो जेचैन फिर से ना कहता है, और फिर से सोली इशारों में बताती है कि ये झूठ बोल रहा है। तभी वहाँ पर दो लोगों के बीच में बहस होने लगती है जिसमें योमची के फादर भी रहता है। तो दोहा उसे देखकर उसके पास जाता है और उसे पकड़कर पूछता है क्या तुमने योमची को मारे। और सोली भी झूठ डिटेक्ट करने के लिए रेडी हो जाती है, और यहीं पर एपिसोड ख़त्म हो जाती है। फ्रेंड्स, अगर आप सभी को एपिसोड अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।